छोटा छोटा लेके आई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट नहा के आई हूँ। तो कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब स्टॉल हमारा लगा ही हुआ था उसी वक्त कि मैं जल्दी से जो है अपना निपटा के घर आ गई और फुल रेस्ट लिया, तो मैंने ब्लॉग भी एंड नहीं किया। मेरे सर में इतनी तेज़ हेडेक हो रही थी ना, और वोमिटिंग हुए जा रही थी सुबह से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस वजह से जो है कल मैं वहाँ से जल्दी आ गई और फिर फुल रेस्ट लिया। वहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं रुक पाई। तो हमारा स्टॉल जो है कल बहुत ही अच्छे से गया और जितने भी लोग थे सभी का बहुत ही अच्छा इवेंट रहा कल, बहुत ही सक्सेस इवेंट रहा हमारा। बहुत मज़ा आया और हमारे हाथ का लिट्टी चोखा और घुघनी खा के लोगों को बहुत मज़ा आया, और दहीवाड़ा भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो तो आप वीडियो में देख ही लिए होंगे कि सबने काफ़ी तारीफ़ की, सभी को बहुत मज़ा आया। और सबने ये भी बोला कि एटलीस्ट मंथ में नहीं तो वीक में एक बार जो है आप लोग जरूर हमें जो है लिट्टी चोखा खिलाओ, स्टॉल लगाओ, स्पेशली हमारे सोसाइटी के अंदर। तो हमने बोला कि ठीक है, सोचते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी हमारा प्लान नहीं है। और अभी मैं निकल रही हूँ नहा के, अभी जस्ट मैं रेस्ट करके उठी हूँ। हीयू भी ब्रेकफास्ट करके जा चुकी है पंडाल में। मिस्टर झा तो सुबह से ही वहीं हैं। तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मिस्टर झा बोले पहले रेस्ट करने के लिए फिर आने के लिए। तो अभी विसर्जन जो है वहाँ पे आधे घंटे से स्टार्ट हो चुका है। लोग पूजा वगैरह डन हो चुकी है वहाँ पे, अब विसर्जन होने वाला है। तो मैं जल्दी से निकलती हूँ। और आज मैंने ये सूट पहना हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे ये सूट बहुत पसंद है, ब्लैक सूट। और इस पे मैंने ले लिया है ये कलरफुल मल्टी कलर का चुन्नी। तो साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था क्योंकि अंदर से बहुत वीकनेस है इस वजह से। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और आपको लेके चलते हैं विसर्जन में कि कैसा विसर्जन होता है। उसके बाद जो है वहाँ पे आज हमारा लंच भी है तो सोसाइटी के तरफ से, तो देखते हैं वहाँ पे क्या हमें लंच में मिलता है। प्रसाद मीन्स प्रसाद है सबके लिए। तो चलिए चलते हैं। गेट सब तो मैंने लॉक कर दिया है। छोटा छोटा लेके आइए। सुनिए यार, जो कपड़ा होगा कपड़ा मन कपड़ा उसमें जा सकते जाते को ही दीदी भी है। ये
सर सारे बच्चे लोग जा रहे हैं। भूमि चढ़ जा ना ऊपर। ओ फिर से शिट। सभी पति पप्पा मोरिया मोरिया बोलो जोर से। हाँ जय हो रे।
खूबसूरत सा लेक, लेकिन इसमें विसर्जन नहीं होता है क्योंकि इतने बड़े लेक को ना क्लीन करने में बहुत मेहनत लगेगी। तो इसीलिए हम लोगों के जीआरसी वालों ने ना अलग से यहाँ पे लेक बनाया हुआ है विसर्जन के लिए। और ये देख सकते हो आप कितना खूबसूरत ये लेक दिख रहा है ना, ऑसम लग रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और ये अलग से जो है विसर्जन के लिए बनाया गया है और पूजा के लिए बनाया गया है, छठ पूजा के लिए। तो इसको क्लीन करना आसान है, जल्दी से क्लीन हो जाएगा ये। तो हम लोग अभी विसर्जन से जो है घर आ गए हैं वापस। और हियू मैडम तो पूरा ही भूतनी बनी हुई थी, पूरा गुलाल लगा लगा के ना खुद को हनुमान जी के तरह पूरे फेस को कलर कर लिया था। लेकिन विसर्जन बहुत अच्छे से हो गया, मैं तो बहुत लेट पहुंची थी, वो आपने देखा ही होगा। मूर्ति जो है गणपति जी की वो निकल चुकी थी,
तो लेकिन चलो अच्छा है कि मुझे विसर्जन देखने को मिला और मैंने खूब अच्छे से एंजॉय भी किया विसर्जन को। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। पिछले बार भी बहुत मज़ा आया था विसर्जन में, पूरा गणपति पूजा में। पिछले बार जो है 3 डेज के लिए गणपति जी थे हमारे यहाँ सोसाइटी में, और इस बार 7 डेज के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। 7 दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो अभी फ्रेश हो जाती हूँ जल्दी से और फिर जल्दी से नीचे जाते हैं, वहाँ पे सभी का लंच है, तो सब साथ में लंच करने वाले हैं, जितने भी GRC फैमिली हैं सारे लोग, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो वहाँ पे भी हम आप लोगों को लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या सब प्रसाद में मिलता है, लंच में क्या सब मिलता है। और चलिए जल्दी से मैं फ्रेश हो जाती हूँ। तो गणपति बप्पा का विसर्जन जो है बहुत अच्छे से हो गया और बप्पा तो चले गए हैं, लेकिन उनका ये जो जगह है बहुत सुना सुना लग रहा है और हम सब बहुत मिस करेंगे गणपति बप्पा को। और इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट ईयर का। और यहाँ पे जो है प्रसाद और लंच जो है स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जो है प्रसाद लेते हैं, फिर लंच करते हैं और नहीं बिल्कुल भी नहीं आइडिया, नहीं तो ही ले लो, नहीं तो ले लो, ले लो नहीं चाहिए, ठीक है मत लो, ठीक है चलो चलो। क्यों इसी में हम दोनों खा लेंगे, बस बस अब नहीं चाहिए, इसका भी दे दीजिए, नहीं इसी में दे दीजिए, हाँ थैंक यू। राइट साइड हैप्पी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो चले यहाँ पे आओ, नहीं हो यहाँ पे आओ, रखने वाला कुछ भी जगह नहीं है।